वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। NDSSB PIQ सीरीज में मैं गुरकीरत कौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSB PIQ फॉर्म में हॉबीज एंड इंटरेस्ट के कॉलम के बारे में। हॉबीज एंड इंटरेस्ट हम सभी के लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ एक तरफ हॉबीज एंड इंटरेस्ट हम सबको अपने आप में अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स बना देते हैं, वहीं SSB इंटरव्यू के दौरान यही हॉबीज एंड इंटरेस्ट कभी कभी हमें मुश्किल में भी डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक बहुत वास्ट डिफरेंस होता है आपकी हॉबी और इंटरेस्ट के बीच में। यदि आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं, और नहीं तो आइए आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्लियर करूंगी और फिर बताऊंगी कि PIQ फॉर्म में इसे कैसे फिल करना होता है। बात की जाए हॉबीज एंड इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले हॉबीज के बारे में आइए चर्चा करते हैं। हॉबीज क्या होती हैं? जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करना चाहते हैं, जिसको करके हमें मन से खुशी मिलती है और जिसको हम डेली बेसिस पे समय निकालते हैं करने के लिए, ये हॉबी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गाने सुनना पसंद है तो मैं डेली हाफ एन आवर का टाइम निकालती हूँ उस सॉन्ग को सुनने के लिए या सॉन्ग्स को सुनने के लिए, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई हॉबी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं डेली कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ क्रिकेट खेलने में, बैडमिंटन खेलने में, isn't it? तो हम वो चीज जो दिनचर्या में करते हैं और जिसके लिए समय निकालते हैं, ये हमारी हॉबी बन जाती है। वहीं जो हम करना चाहते हैं वो हमारा इंटरेस्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है तो वो मेरा इंटरेस्ट है। मुझे फ्यूचर में वर्ल्ड टूर पे जाना है तो वो मेरा इंटरेस्ट हो जाता है। सो होप यहाँ पे आपको एक माइनर डिफरेंस समझ में आ गया होगा हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में। अक्सर कई बार स्टूडेंट्स अपनी हॉबीज में लिख देते हैं मेरी हॉबी है प्लांटिंग करना या गार्डनिंग करना। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप गार्डनिंग कैसे करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, तो आप कहेंगे सर मैं कभी कभी करता हूँ या करती हूँ। तो जो हम कभी कभी करते हैं या करते रहेंगे वो हमारी हॉबी नहीं होती है। तो यहाँ पे होप आपको एक क्लास क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं SSB PIQ फॉर्म में हॉबीज और इंटरेस्ट के कॉलम के बारे में। जब हमें एक SSB PIQ फॉर्म में अपनी हॉबीज मेंशन करनी होती है तो हमें बहुत ध्यान से मेंशन करना है। मैं आपको कहना चाहूंगी आप बहुत कुछ मत लिखिए, आप लिमिटेड सिनेरियो में रहे, आप वो लिखें जो आप करते हैं, क्योंकि जो आप करेंगे उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी हॉबी गार्डनिंग है और आप उसको मेंशन कर रहे हैं अपने SSB PIQ फॉर्म में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गार्डनिंग के सभी एस्पेक्ट्स आपको पता हो। क्योंकि यदि आप डेली 30 मिनट भी गार्डनिंग में दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस मौसम में किस तरीके के प्लांट्स आप कर सकते हैं, आपकी जो गार्डन की सॉइल है वो किन तरह के प्लांट्स को सपोर्ट करती है, गार्डनिंग के दौरान आपको कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। साथ ही साथ में आपको जो प्लांट्स होते हैं उनके नेम्स पता होने चाहिए, उसमें जो आप मैन्योर्स डालते हैं उनके नाम पता होने चाहिए, और किस तरीके से क्या क्या टूल्स आप यूज करते हैं अपने गार्डन को अच्छा सा मेंटेन करने के लिए, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ये देखता है कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। और मैं आपको बता दूं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें सच्चाई होती है, जो आप जेन्युइनली कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होता है। अगर आप 6 महीने से गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस होगा जो आपको बताएगा और आपके अंदर नॉलेज एनहांस करेगा, जिस वजह से आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने में बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिख तो दिया गार्डनिंग लेकिन वो आपका हॉबी है नहीं है, फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे जहाँ पे अगेन फिर क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है आपके पर्सनालिटी पे, आपके OLQs पे, राइट? सो हॉबी का कोई लेवल नहीं होता। किसी की हॉबी बहुत अच्छी हो सकती है, मैं बोलूँ अगर लेवल्ड हॉबीज की बात करूँ तो उसको जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानकारी रखना, रुचि रखना बहुत पसंद होता होगा। वहीं एक तरफ आपको सिंगिंग का शौक हो सकता है, आपको गार्डनिंग का शौक हो सकता है, आपको कलरिंग का शौक हो सकता है, क्राफ्टिंग का शौक हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हॉबी का कोई लेवल नहीं होता, बट एट द सेम टाइम आपको कितना उसके बारे में डीप पता है वो मैटर करता है एक SSB इंटरव्यू के दौरान। वहीं बात कर ली जाए इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट में आप हमेशा वो मेंशन करें जो आप करना चाहते हैं। आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है फ्यूचर में साइकिलिंग करना चाहते हैं, आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो ये चीजें जो आप करना चाहते हैं और अभी आप नहीं कर रहे हैं, ये आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में भी एटलीस्ट आपका कोई विजन, आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, यदि पूछा जाए तो आप अपने IO के सामने उसको डिस्प्ले कर पाए। सो होप आज मेरे इस छोटे से एनालिसिस से आपको क्लियर हो गया होगा इस बेसिक कॉलम के अंदर PIQ फॉर्म में क्या फिल करना है, कैसे फिल करना, और इसकी तैयारी करनी कैसे है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक बने रहे सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के साथ।
21 डेज ऑफ एसएसबी प्रोग्राम के जो न्यू बैचेस है एवरी मंडे लॉन्च हो रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड देश भर के स्टूडेंट्स हमें अप्रोच कर रहे हैं अपनी 21 डेज ऑफ एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। यदि आप भी एनडीए एसएसबी की तैयारी या आपके सीरियस एसएसबी की तैयारी, टेक्निकल जैग एंट्री की तैयारी करना चाहते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ, तो आज ही संपर्क करें 9795977776 पर और तैयारी करें पूरी टीम के साथ में। और मैं आपको बता दूं, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आवर स्ट्रेंथ इज इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन। तो यदि आप ये पाना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और हमारे साथ में अपनी कामयाबी की दास्तान लिखना चाहते हैं, प्लीज कनेक्ट ऑन अवर नंबर्स, टेक काउंसलिंग फ्रॉम अवर काउंसलर्स एंड एनरोल विद अस। थैंक यू। जय हिंद।